एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कुछ स्टूडेंट को और वो सब निराश हैं। फिर वो जो मन में सोचता है डैम इट पार्टिसिपेट बाहर निकल गए हैं और दो तो अनमोटिवेटेड हो गए हैं और आखिर वाला अपने रूह को खो दिया है, हम ऐसे कैसे जीतेंगे। फिर चैनवन पीछे से आते हुए कहता है वुजो क्या कोई ओपनिंग बचा है जैसे लॉन्ग जंप इवेंट। फिर वुजो खुश होते हुए कहता है हुआन क्या तुम जंप कर सकते हो। फिर उसमें से पहला बंदा कहता है ये कौन है, मेडिकल यूनिवर्सिटी के सारे भारी दोस्त हैं, क्या ये जीत पाएगा इस पतले बॉडी से। फिर वुजो कहता है हाँ बिल्कुल, ये मेरा ब्रदर है और इसका फिजिक्स बहुत अमेजिंग है, सिर्फ स्टेमिना ही नहीं और इसका स्पीड स्ट्रेंथ भी बहुत है और ये ट्रैक और फील्ड में भी लाजवाब है, पैरों की वजह से ये कुछ सिंपल जैसा स्टैंडिंग लॉन्ग जंप और कर लेगा, टेंशन मत लो। फिर चैनवन कहता है अब मेरी तारीफ मत करो, जब रिजल्ट आएगा तब बात करेंगे, ऐसे मेरी मदद करो इवेंट में रजिस्टर करने को जो आगे होने वाला है, इवेंट जब तक शेड्यूल खत्म ना करे फिर मैं पार्टिसिपेट करूंगा। फिर वो जो खुश होते हुए हाई फाई देते हुए कहता है ग्रेट तुम अमेजिंग हो। फिर चैनवन कहता है मैंने हाई फाई देने के लिए कोशिश नहीं किया था। फिर चैनवन वहां से जाते हुए कहता है मैं सिर्फ ये लॉन्ग ऑक्शू के लिए कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। फिर वो जो रोते हुए मुंह से खून निकालते हुए कहता है ये जाने से पहले शो ऑफ करना नहीं भूला, यानी मैं तो कचरा हूँ। फिर अनाउंस होता है शोंकिंग यूनिवर्सिटी ने जीत लिया है मैन स्टैंडिंग लॉन्ग जंप इवेंट और उसमें एक प्लस पॉइंट हो जुड़ता है। और फिर अनाउंस होता है शोंकिंग यूनिवर्सिटी ने जीत लिया है मैन शॉट पुट इवेंट और उसमें एक और पॉइंट जुड़ता है। फिर हमें ये मेंजिंग और लॉन्ग ऑक्शू को दिखाया जाता है और वो बैठकर देख रहे थे और अनाउंस होता है शोंकिंग यूनिवर्सिटी का फिर नाम आता है। फिर ये मेंजिंग खुश नहीं लग रही थी, ये मेंजिंग कहती है लॉन्ग ऑक्शू तो तुमने ढूंढ लिया है एक अच्छे बॉयफ्रेंड को ना। तो लॉन्ग ऑक्शू कहती है हाँ वह प्रीटी ग्रेट है। फिर वो अलर्ट के मूड में आ जाती है और मन में सोचती है हाँ रुको क्या ये भी चाहती है मेरे बॉयफ्रेंड को छीनना जैसे ली कुंग्यू चाहती है। मगर ये मेंजिंग स्माइल करते हुए कहती है किस तरह की ताकतवर वुमेन हो, एक आदमी को रखती हो अपने पीछे, मैं ये मेंजिंग इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, मतलब खुद पर निर्भर कह रही है और कहती है मैं कभी अपनी जिंदगी में किसी आदमी पर डिपेंड नहीं रही, तुम्हें मुझसे ये दो चीज सीखनी चाहिए। और फिर लॉन्ग ऑक्शू कहती है तो कितने सारे बहाने हैं वुमेन को सिंगल रहने का। तो वो बात ये मेंजिंग को एरो की तरह चुभ जाती है और मुंह से खून निकल जाता है। कहती है ये मेंजिंग कि तुम सच में सेवेज वुमेन हो, मतलब जंगल में वुमेन हो। फिर पीछे से चश्मे वाला कोई आते हुए कहता है प्रेसिडेंट चीजें देखने में अभी अच्छी नहीं जा रही है और हमारे अपोनेंट ने भी और हमारे अपोनेंट ने बदली किया है फील्ड में और वो बहुत ही ताकतवर है, हम लोग होल्ड ऑन नहीं कर सकते, मतलब रुक नहीं सकते। तो ये मेंजिंग गुस्सा होते हुए कहती है, उसका गला पकड़ कर कहती है मैं जानती हूँ कि उन्होंने किसी को बदली किया है, मतलब किसी को किसी के जगह बदला है। और कहती है और मैं ये भी जानती हूँ कि वो लॉन्ग ऑक्शू का बॉयफ्रेंड है, ये मैसेज उन्हें दो जाकर तुम भले ही कॉम्पिटिशन हार सकते हो मगर लॉन्ग ऑक्शू के बॉयफ्रेंड को मारना चाहिए। फिर अनाउंस होता है 1000 मीटर मैन रेस। फिर चैनवन रेस की पोजीशन में आता है और अनाउंस होता है रेडी और उनमें से एक बंदा अजीब सा स्माइल देते हुए चैनवन को देखकर रेस चालू हो जाता है और चैनवन थोड़ा चौंकता है और मन में सोचता है क्या ये कुछ अलग रणनीति है मेरे तेजी को हराने का। फिर जितने भी बंदे थे कहते हुए हमला करते हैं और उसे ले लो, मगर चैनवन कंफ्यूज हो जाता है, मगर चैनवन तेजी से बच कर भाग जाता है और सोचता है मन में कि वो मुझ पर घात लगाते हुए थे तो ये लोग फालतू चीजें करने का प्लानिंग किए थे, उन्हें थोड़ा और सीरियस होना चाहिए था। फिर चैनवन रेस जीत जाता है। फिर मन में सोचता है झुंड में इडियट कहने का मतलब है उन सबको मूर्ख कह रहा है, मगर ये मेंजिंग गुस्सा होते हुए कहती है तुम सब मूर्ख हो, क्या तुम उसे नॉक नहीं कर सकते थे, क्या तुम लोग ठीक से देख नहीं सकते। फिर लॉन्ग ऑक्शू कुछ प्रोवेशन हेलो लिख कर आता है और वो हंसती है।
है और मन में सोचती है, बेवकूफ वुमेन, क्या क्या तुमने ये सोचा था कि तुम मेरे हुआन को इस तरह नीचे कर सकती हो। फिर चैन वान एक और मैच जीत जाता है, बास्केटबॉल भी जीत जाता है और फिर एक और मैच जीत जाता है, ऐसे करते हुए सब जीतते जाता है और 25 पॉइंट स्वांगिंग यूनिवर्सिटी के होते हैं और 24 पॉइंट मेडिकल यूनिवर्सिटी के होते हैं और अनाउंस होता है कंपटीशन खत्म हो गया और स्वांकिंग यूनिवर्सिटी जीत गई है 1 पॉइंट से और सब खुश होते हुए हुर्रे कर रहे थे और चैनवान को उछाल कर वो चैनवान भी मजे ले रहा था, हंस रहा था और कहता है, मैं सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मदद कर रहा था, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक बंदा आके कहता है, चीयर लीडिंग सेलिब्रेशन होने जा रहा है। फिर चैनवान को ऐसे ही छोड़कर सब चले जाते हैं और वो ऐसे ही गिर जाता है और वो सब जाते हुए कहते हैं, आखिरकार हाईलाइट होने वाला है, पर चैनवान कंफ्यूज होकर गिर जाता है और पीछे लॉन्गोक्सु का पैर दिखाया जाता है। फिर लॉन्गोक्सु कहती है, दरअसल प्रीवियस शॉर्ट एक्सचेंज मीटिंग साधारण थी लेकिन कम से कम वो ग्रैंड इवेंट होनर थी, लेकिन वो बदलना चालू कर दिया, अब कुछ नहीं रहा, बस मिक्सचर बन गया है दो स्कूलों के बीच और वो सब बंदे मजे कर रहे थे। फिर चैनवान मन में सोचता है, वो लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने बेस्ट किया पॉइंट को पाने में। पीछे ये मैंजिंग गुस्सा होते हुए कहती है, लॉन्गोक्सु तुम आदमी पे डिपेंड रहती हो, मैं फिर से हार गई, मैं इसे मान नहीं सकती। फिर लॉन्गोक्सु चैनवान का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को अपने क्षमता से ढूंढी हूँ मगर तुम्हारे पूरे जिंदगी में एक भी नहीं है। और फिर चैनवान कहता है, ये थोड़ा सुना हुआ लग रहा है, क्या तुम उसे उकसाने की कोशिश कर रही हो। फिर ये मंजी के मुंह से खून निकल जाता है और कहती है, किसने कहा मेरी जिंदगी में एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है, यहाँ तक कि अगर आइस की रानी के पास ऐसा बॉयफ्रेंड हो सकता है तो तुम क्या सोचती हो, क्या ये ये सेम चीज नहीं कर सकती। फिर ये मैनजिंग कहती है, हे जितने भी आदमी हो, क्या कोई मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहेगा, और अगर कोई दिलचस्पी रखता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे साथ थोड़ा खेलने की। और कहती है, ऐसे तो तुम सब जानते हो कि मैं कोई खाली वादा नहीं करती, तो अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनते हो तो इस चीज का मैं रिपे करूंगी भविष्य में। फिर सब लोग सुनकर चौंक जाते हैं मगर सब वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, मतलब कि भाग जाते हैं। फिर चैनवान सोचता है मन में, ये एटीट्यूड रहा, अगर तुम अनमेरिड वुमन नहीं बनना चाहती तो कोई नहीं बनेगा। फिर चैनवान लॉन्गोक्सु से कहता है, चलो बाबा चलते हैं, तो लॉन्गोक्सु कहती है, ठीक है बारबेक्यू चलते हैं। तो फिर से ये मैनजिंग कहती है, तुम और वहीं गिर जाती है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है और चैनवान कंफ्यूज रहता है लू को देखकर और कहता है, लुकिंग यू, ये किस तरह का एक्सप्रेशन है तुम्हारा। और लू डर जाती है और कहती है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं तो हिम्मत भी मत करना कुछ करने की। फिर चैनवान कहता है, तो तुम एक हो जो अकेले रहने से डरती हो। फिर लू कहती है, मैं बची हुई आखिरी इंटरनल एनर्जी जो इस्तेमाल की थी, अब मैं पहले से भी ज्यादा घायल हो चुकी हूँ तो मैं तुम्हें मार नहीं सकती। फिर चैनवान हंसते हुए बैठते हुए कहता है, रिलैक्स, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, और ये भी कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि पिछले दिन क्या हुआ था। हालांकि मैं डुअल कल्टीवेशन टेक्निक को कल्टीवेट किया लेकिन मैं परवर्ट नहीं हूँ तो तुम्हें जरूरत नहीं था पिछले दिन भागने की। फिर लू वो सोचती है और कहती है, तुम झूठे, मैंने सही से देखा था तुम्हारे पास मार्कर था। फिर चैनवान बिल्ली वाला शक्ल बनाकर कहता है, मैं एक अच्छा बंदा हूँ, मेरा यकीन करो, मेरी आंखों में देखो। और फिर लू अजीब से शक्ल बनाकर देखती है और कहती है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे दिमाग में पहले क्या आया है, मैं एक इंसान हूँ, मेरे सेक्स से, और तुम मुझे पसंद करते हो और हम दोनों साथ एक मार्शल आर्ट बैकग्राउंड से हैं और हम छुपे हुए हैं इस सिटी में और बिना कोई शक के मेल और फीमेल यहाँ है। क्या तुम नहीं सोचते हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है? मुझे समझ नहीं आया, शायद तुम्हें समझ आ जाए, ट्रांसलेशन अजीब किया गया है यार। फिर लू कहती है, हालांकि तुम्हारा टेक्निक थोड़ा अच्छा नहीं है, ये सब चीजें मैंने ब्लैंकेट के अंदर से पूरे रात सोचने के बाद मैं यहाँ आई हूँ एहसास करने। थोड़ा शर्माते हुए कहती है, अगर ये टेक्निक हम साथ कल्टीवेट करेंगे मेरिट कवर होने के बाद तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा। और अपने बालों में हाथ घुमाते हुए कहती है, तो अगर मैं और तुम मैरिड होते हैं तो डुअल कल्टीवेशन करते तो ये बाहर का क्वेश्चन नहीं रहेगा और ये तुम्हारा
अपना भविष्य के कल्टीवेशन को बेहतर करेगा। सही कहा ना? फिर चैनवन चौंकते हुए मन में सोचता है, क्या बोल वुमेन है, इसने पूरी तरीके से कह दी जो भी इसके दिमाग में था और इसने डेटिंग का पार्ट को भी बीच से हटा दिया और सीधे मैरिज पे आ गई।